भामाशाह के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज भामाशाह आपको हम दिखाते हैं। आज एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिन्होंने अब तक 750 से ज्यादा बेटियों की शादी करवाई। एयरफोर्स की नौकरी छोड़ इन्होंने अब तक लाखों जनजातीय निर्वस्त लोगों के बीच कपड़ा बांटा है। वहीं विश्वनाथ भगत से खास बातचीत हमारे संवाददाता अभिषेक भारती ने। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते, पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आसमान में सुराख होते और सुराख करने वाले लोग हमारे आपके बीच में ही होते हैं। ऐसे ही एक शख्स से अनायास ही टकरा गया, मुझे लगा कि इनकी कहानी झारखंड की जनता को जानना चाहिए। ये मेरे साथ फिलहाल विश्वनाथ भगत जी हैं, संथाल से ताल्लुक रखते हैं, संताल की धरती से ताल्लुक रखते हैं और संताल खास करके पाकुड़ जिले में इन्होंने बहुत कुछ किया है। आपको अगर मैं बताऊं कि जनजातीय समाज के लिए विश्वनाथ भगत बहुत समय से एक्टिव रहे हैं। विश्वनाथ जी, अब मतलब मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अब तक आपने मतलब लाखों लाख कपड़े जो हैं वो जनजातीय समाज के बीच बांटे हैं, तो मतलब कैसे आया ये समाज सेवा का आइडिया है? देखिए, मैं आज से 30 साल कंप्लीट हो गया, 31वां चल रहा है। 31 साल पहले मैं भारतीय वायुसेना से श्रीनगर से पोस्टिंग में सिंघारसी एयरफोर्स स्टेशन आया। जैसे ही मैं सिंघारसी के हटिया में उतरा, मेरा दिल पसीज गया और उसी तत्क्षण हमने निर्णय लिया कि हम समाज सेवा ही करेंगे, एयरफोर्स छोड़ देंगे। और फिर हम उसी दिन से शुरुआत किए। वहाँ के लोग कपड़ा कुछ भी नहीं पहनते थे अपने शरीर पर। पहले हम लोग शब्द बोलते थे भगुआ, पुरुष भगुआ पहनते थे और औरतें भी उसी प्रकार पहनती थी कपड़ा में। और हमने शुरुआत की अपने घर से कपड़ा बांटने का, साड़ी साया ब्लाउज फुल पैंट शर्ट हर प्रकार का कपड़ा पहले हमने घर से बांटा और तब से लेके लगातार अभी तक चल रहा है। हमको कुछ लोगों ने बताया कि भाई किसी बच्ची की शादी होनी है, मान लिया एक रुपया नहीं है घर वालों के पास, विश्वनाथ भगत से संपर्क करिए, उनकी शादी हो जाती है। अब तक 700 से ज्यादा बच्चियों की मतलब जोड़ों की आप शादी तक करवा चुके हैं? जी जी, अब तक हमने 5 बार सामूहिक विवाह करा चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था 151 जोड़ा, उसके बाद 52 जोड़ा, उसके बाद फिर 51 जोड़ा, उसके बाद 101 जोड़ा और उसके बाद अभी किया है 108 जोड़ा 12 नवंबर 2022 में। और क्या करते हैं हम, क्या है ना, फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भर के लड़का और लड़की जो स्वयं लोग चुने हुए रहते हैं उनका फोटो आधार कार्ड सारा चीज डॉक्यूमेंट हमारे पास रखते हैं और फिर हम समाज के पास। और इसमें हमको सबसे ज्यादा सहयोग सेवा भारती और हमारे बोलबम सेवा शिविर महासंघ, ये दोनों हमको करते हैं। लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? लोगों का पूरा सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। जब अभी हम चल जाएंगे गांव में तो लोग भगवान की तरह हमको मानते हैं और सब लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हमारे बेटे को भी आशीर्वाद, ऐसे टाइप का। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई इसमें कुछ आपका पर्सनल एजेंडा है या इस तरीके का कुछ, क्या ऐसा कुछ है? ना देखिए, ये तो हम नहीं जानते हैं, ना हम वहाँ से विधायक बन सकते हैं, ना हम वहाँ से सांसद बन सकते हैं, ना ही हम वहाँ कुछ करते हैं। हमारा क्षेत्र लिट्टीपाड़ा बरहेट बोरियो इस ये जो पाकुड़ और अमरापाड़ा ये बेल्ट है वो एसटी सीट है, बोलने वाले को क्या है वो तो बोल सकते हैं। तो देखिए, ये एक भामाशाह, मैं इनको भामाशाह नाम से संबोधित करता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को अपना मंत्र मांगा माना है कि भाई ये दुनिया जो है ये मेरा परिवार है, भारत इसी के आधार पर तो चलता है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, कि वो विश्वनाथ भगत जैसे लोगों की मदद करें, क्योंकि ये काफिला आगे बढ़ना जरूरी है। सहयोगी मंटू लाला के साथ अभिषेक भारती, TV45 रांची।